जमशेदपुर के इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की मनमानी के बाद अब ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों ने भी अभिभावकों से पैसा वसूली शुरू कर दी है। जहां ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है, उधर कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर वैसे संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है जो जबरन अभिभावकों से पैसा वसूली कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर। एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है तो दूसरी शैक्षणिक संस्थान अभिभावकों का दोहन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर शैक्षणिक संस्थान का यही रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी उनके संस्थानों में ताला लगा देगी। सामाजिक और पॉलिटिकल लोगों के प्रेशर के बाद एक क्राइटेरिया तय हो पाया कि प्राइवेट स्कूल जो है ट्यूशन फीस के अलावा दूसरा कोई फीस नहीं लेंगे। आज समस्या सबसे बड़ी ये है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने अभी दो दिन पहले कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम छठ तक राशन उपलब्ध कराएंगे, मतलब वो मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास खाने पीने की समस्या है। और आज दूसरे तरफ यहाँ प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश को, जिन्होंने आदेश दिया प्राइवेट संस्थान ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा फीस नहीं लेंगे, उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, प्राइवेट संस्थान जो अढ़ाई तीन लाख रुपया सालाना बच्चों से ले रहे हैं, आज स्थिति ये है कि इस लॉकडाउन में ठेला वाले, खोमचा वाले या ठिका मजदूर या दैनिक भोगी लोग, इनका परिवार कैसे चलेगा और क्यों इन पर रोक नहीं लगना चाहिए, ये मैं आज पूछने के लिए डीसी साहब से आया था कि आप इन पर रोक लगाइए, इन पर कार्रवाई कीजिए। और बहुत जल्द हम लोग का एक डेलीगेशन इस मामले पर माननीय शिक्षा मंत्री से भी बात करेगा, माननीय वित्त मंत्री से भी बात करेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड की रिपोर्ट।